देश के जननायक और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली है। इस यात्रा के तहत देश के कुल 80 गंगा में स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि विसर्जन की जा रही है। इसी क्रम में यह कलश यात्रा देश के विभिन्न प्रदेश से होते हुए 25 अगस्त को गोरखपुर पहुंचेगा। यात्रा में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जो गोरखपुर क्लब में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद राजघाट पहुंचकर राप्ती नदी में स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित करेंगे। इसी के मद्देनजर गोरखपुर में कलश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और उन्हें श्रद्धांजलि दिलाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने गुरुवार को गोलघर इंदिरा बाल विहार, चेतना तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, विजय चौराहा, गणेश चौराहा सहित अन्य चौराहों पर पहुंचकर वहां स्थित प्रतिष्ठान के मालिकों से यात्रा की जानकारी देकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आग्रह किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय कोषा अध्यक्ष पुष्पदत्त जैन सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, व्यक्ति थोड़ा सा आगे होइएगा, जगह जगह थोड़ा तो परसों असल है कि अस्थि कलश यात्रा गोरखपुर आ रही है। नेपाल क्लब में 2 बजे आएगी, तो उसमें हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अस्थि कलश यात्रा में आप लोग शामिल होइए। मुख्यमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, जगह जगह बोलने वाले हैं। 2 बजे मुख्यमंत्री की कोई बात ही नहीं, यात्रा गोरखपुर आ रही है। जगह जगह लोग पार्सल कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 2 बजे नेपाल क्लब में एक सभा होगी योगी आदित्यनाथ महाराज स्वयं करते हैं और फिर वहाँ से निकल करके राजघाट पर जाकर के अस्थि कलश यात्रा का प्रचार करेंगे। तो एक बार हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग भागीदार बने और संभव हो पाए तो 2 बजे के बाद जब अस्थि कलश यात्रा आ जा रही है आप लोग यहाँ जन जागरूकता फैला रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा गोरखपुर आ रही है, हर कमिश्नरी केंद्रों पर आ रही है, गोरखपुर में भी वो अस्थि कलश यात्रा आ रही है और 25 तारीख को भटाट की सीमा पर गोरखपुर में प्रवेश कर रही महाराजगंज से गोरखपुर महानगर में वो मेडिकल कॉलेज पर महानगर के कार्यकर्ता रिसीव करेंगे। जगह जगह चौराहों पर पुष्पार्चन करते हुए 2 बजे नेपाल क्लब में वो अस्थि कलश यात्रा आएगी, जहाँ एक श्रद्धांजलि सभा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे और अस्थि कलश यात्रा के उपरांत, जब यहाँ आने के उपरांत श्रद्धांजलि सभा के उपरांत, फिर वो अस्थि कलश यात्रा नेपाल क्लब से होकर के एमपी कॉलेज से जिला परिषद रोड होते हुए गोलघर और गोलघर से बेतियाहता चौराहा होकर के नॉर्मल होते हुए वो राजघाट पर जाएगी और जहां अस्थि कलश यात्रा का विसर्जन होगा। आज हम लोग महानगर के कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन जी हैं, क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं
सतन सिन्हा जी क्षेत्र के मंत्री प्रदीप शुक्ला महानगर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता गोलघर की सड़कों पर आम नागरिकों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आम नागरिक अटल जी एक महान व्यक्तित्व का नाम और उनको अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गोरखपुर के नागरिक और आम जनता आम व्यापारी सब लोग आए दलगत राजनीति से दलगत सीमा से ऊपर उठकर आए। इसलिए हम लोग सबको निमंत्रित देने आए हैं कि 2 बजे श्रद्धांजलि सभा में यहाँ नेपाल क्लब आएँ। इसके लिए हम लोग निमंत्रित